अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हारा श्रृंगार करने का हक तो मेरा बनता है। सिंदूर कैसे गिर गया? एक तरफ भगवान मुझे इशारा दे रहे कि मैं सुहागन बनूं और दूसरी तरफ मेरा सिंदूर गिर गया। इसका क्या मतलब है काटू जी? अग्नि, तुम गोलगप्पे खाने के बहाने यहाँ मंदिर क्यों ले आई? नाहर, मैं तुम्हारे लिए व्रत तो नहीं रख सकती, लेकिन तुम्हारे साथ अपने होने वाले बच्चे के लिए आशीर्वाद तो ले सकती हूँ ना, इसीलिए पहले मंदिर ले आई और इसके बाद फिर गोलगप्पे भी खा लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो चल। अभी कुछ ही देर में हम तीज की पूजा शुरू कर देंगे। रूही, नाहर अग्नि के साथ बाहर गया है, तुम एक काम करो, नाहर के आने से पहले तुम अपनी पूजा कर लो ताकि नाहर को कोई शक ना हो। जी मामा जी। अभी बेटा मैं आती हूँ। भाभी, भाभी क्या जूही ने भी तीज का व्रत रखा है? मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा क्या उसका व्रत खुलवाने के लिए? भैया, आज जूही बिजी है इसलिए मेरी उससे बात नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है जूही ने वो व्रत जरूर रखा होगा। मैं जानती हूँ जूही थोड़ी खुले विचारों की है, लेकिन इन चीजों में उसके संस्कार बिल्कुल मेरे जैसे हैं। वो भी रीति रिवाजों में कभी पीछे नहीं हटती। ठीक है भाभी, तो मैं जूही का व्रत खुलवाने समय से पहुंचाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गौरी शंकर जी कि मेरा और नाहर जी का रिश्ता भी आपके और पार्वती माँ जैसे जन्मों जन्मांतर तक बना रहे, शिव शक्ति की तरह अटूट रहे और हम एक दूसरे के पूरक। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।